नालंदा के रहुई प्रखंड के कादी बीघा गांव में नवनिर्मित श्री महाकाली मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सांसद कौशलेंद्र कुमार और स्थानीय विधायक डॉ. सुनील कुमार शामिल हुए। इस दौरान विधायक डॉ. सुनील कुमार और समाज सेवी डॉ. आलोक कुमार ने फीता काटकर पट का शुभारंभ किया। पट खुलते ही श्रद्धालु की जनसैलाब उमड़ पड़ी। श्रद्धालु माँ काली मंदिर में दर्शन किए। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ काली के दरबार में आते हैं उनकी मन्नतें अवश्य पूरी होती हैं। लोगों की मान्यता है कि अश्विन मास में अष्टमी के दिन माँ काली के दरबार में भभूत यानी राख लेने के लिए श्रद्धालु की काफी भीड़ लगी रहती है। माता काली का भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ था, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज होना था, जिसमें हमने भाग लिया। हम यहाँ के काली पूजा समिति के सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। और ये नवरात्रा के अवसर पर सभी काली माता के भक्तों को, दुर्गा माता के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। ब्लॉक के अंतर्गत कादीबिया ग्राम है, पतासंग पंचायत का। एक काली जी का भव्य मंदिर बनके तैयार हुए, आज माता का प्रांगण पर। तो प्रोजेक्ट पे 10,000 थे, इसमें विधायक जी भी आए थे, सांसद महोदय भी आए थे। तो ये मतलब क्या यहाँ पर क्या रहस्य है? जो रहस्य यही है कि माता बहुत ही चमत्कारी है। जो भी विद्यार्थीगण आते हैं माता से जीविका के लिए नौकरी मांगते हैं, माता उनकी मुरादें पूरा कर देते हैं। क्या नाम लिखते हैं? नाम संतोष कुमार हमारा है।